नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से है। यहां जानबाज पूर्व सैनिक सेवा समिति उत्तर प्रदेश ने प्रदेश कार्यालय पर मनाया 89वां भारतीय वायु सेना स्थापना दिवस। जानबाज पूर्व सैनिक सेवा समिति उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदेश कार्यालय पर भारतीय वायु सेना का 89वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जनरल विशंबर सिंह के छोटे भाई चौधरी दिगंबर सिंह, कर्नल निशित सिंघल, सूबेदार मेजर बीरबल सिंह, सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर भरगुवीर सिंह एवं सूबेदार मेजर महिपाल सिंह ने भारत माँ की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके करी। सभा के अध्यक्ष सूबेदार मेजर बीरबल सिंह एवं संचालन श्री प्रमोद मिश्रा जी ने किया एवं मुख्य वक्ता श्री ध्यानपाल सिंह जी रहे, जिन्होंने वायुसेना की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। अंत में कर्नल निशित सिंघल ने सभी पूर्व सैनिकों को एकजुट रहने का संदेश दिया एवं वायुसेना की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला एवं समारोह को समाप्त करने की घोषणा की। सभा में उपस्थित इस प्रकार रही सह हवलदार गुलाब सिंह, हवलदार नेक्से सिंह, कैप्टन आरपी पचौरी, कैप्टन सुधीर तोमर, कैप्टन यासीन खान, जिला पंचायत सदस्य जंगजीत सिंह, सूबेदार ओमवीर सिंह, हवलदार धर्मेंद्र नादर, हवलदार बलविंदर सिंह, हवलदार हमवीर सिंह, हवलदार ब्रजराज तोमर, हवलदार रघुराज सिंह, एन के शर्मा, पीओएस के अत्री, हवलदार उदय सिंह, हवलदार अशोक कुमार, मानिक चंद शर्मा, एचएफओ रमेश चंद्र, एचएफओ सुधीर सिंह, एचएफ रामहंस, एमडब्ल्यूओडीडी शर्मा, सार्जेंट एमएस रथ, हवलदार सुभाष कोयल, हवलदार योगेंद्र सहित 85 पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम है कर्नल निशित सिंघल। ये भूतपूर्व सैनिकों का कार्यक्रम है। मैं इस संगठन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं को इन्वाइट किया अतिथि के तौर पर, मैं उसमें आया हूँ। आप ये सवाल जो है पदाधिकारियों से करिए, पदाधिकारी से पूछिए।